मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं खुदा बाप बेटे रूह अल-कुद्स के नाम से आप सबों की सलामती चाहता हूं और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूं इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए कि खुदावंद ने मुझे इस मर्तबा फिर एक दफ़ा नेशनल न्यूज़ टीवी पर दावत दी गई कि खुदा के कलाम यानी यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से दूसरे कलमे की खिदमत को सर अंजाम दूँ। और मैं अपनी बड़ी सआदतमंदी समझता हूँ कि ये खिदमत मुझे खुदा ने अपनी वफादारी में रहते हुए बख्शी। और आए मेरे साथ कलाम खुदा से मुस्तफीद होने को और मसीहा के सलीबी कलमात में से दूसरे कलमा को सुनने के लिए अपनी किताब मुकद्दस खोलें और हम देखेंगे आज सुबह इस वक्त में मुकद्दस लूका तबीब का अंजीली बयान। मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका तबीब का अंजीली बयान उसकी 43वीं आयत। खुदावंद के कलाम में इस तरह रकम है, दूसरा कलमा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे बेटियों, इस वक्त जो हम सलीबी कलमात में से दूसरे कलमा की बदौलत अपनी अपनी जिंदगी पर गौर खोज करेंगे कि मसीहा के सलीब के उस पस मंजर पर जो कोहे कलवरी पर गुलगता की पहाड़ी यानी खोपड़ी की पहाड़ी पर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया ताकि बनी नो इंसान की निजात का वसीला बने, मगर रोमी हकूमत और यहूदियों ने साजिश करके मसीहा की बगावत की, मसीहा की मुखालफत की कि ये मौजजात करता है, अपने आप को खुदावंद कहता है, यहूदियों का बादशाह कहता है और बहुत सी ऐसी बातें जो मसीहा से कीनाबाजी के बायस रखने के सबब से उसे सलीब पर लटका दिया। और बताया ये जाता है कि मसीहा की सलीब के दहनी और बाईं तरफ दो डाकू हैं जिनकी बाबत कलामे खुदा में हम देखते हैं कि मुकद्दस लूका तबीब लिखते हैं 23वें बाप में, लूका की अंजील 23वें बाप में, यहां वो बताते हैं 38वीं आयत में, और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। 42वीं आयत में यूं बयान किया गया कि 42वीं आयत में फिर उसने कहा, है यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी उस दाएं तरफ वाले डाकू ने जो सलीब पर मसीहा के साथ उसकी दाहिनी तरफ है और फिर एक बाईं तरफ है, दोनों एक वक्त में मसीहा पर उन यहूदियों और सिपाहियों के साथ मिलकर लानतान कर रहे हैं, ठट्ठे उड़ा रहे हैं, तमस्करे कर रहे हैं। कलाम फरमाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर पहला कलमा अदा कर रहे थे तो दोनों डाकू भी सुन रहे थे, और दाएं वाले डाकू ने जब सुना तो हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा है इंग्लिश की बाइबल में गॉस्पल ऑफ द लूक चैप्टर 23:43, ही सेड टू हिम, खुदावंद यीशु ने उससे कहा, ट्रूली आई से अनटू द टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, के यानी खुदावंद यीशु ने अपने सुखनरा होते हुए, अपने लबकुशाई होते हुए अल्फाजों से बयान किया कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर उससे पहले उसने कहा कि मुआफी का कलमा जो सादर किया गया, ए बाप इनको मुआफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं।
दोनों चीजें जब अप्लाई की गई उस डाकू पर तो वो देख रहा है, हालांकि यीशु मसीह पर वो भी तंजो मजा और ठट्ठे कर रहा है। और दोनों मुकद्दस मत्ती रसूल और मुकद्दस मरकस ने बयान किया है कि दोनों बायक वक्त डाकू आगे पीछे यीशु मसीह को बुरा कह रहे हैं। अगर तू मसीह है, क्या तू मसीह है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। इस तरह से कलाम में लिखा है कि सिपाही और यहूदी भी कहते हैं कि तू बड़े मौजजे करने वाला है, आज खुद जरा अपने आप को सलीब से नीचे उतार, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, हम तुझ पर ईमान लाएंगे। और सारा हजूम देख रहा है, जितने वहां सिपाही और यीशु मसीह के चंद शागिर्द और मुकद्दस सदी का पाक मरियम भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि जब हम इन वाक्यात के अंदर मसीहा के मुंह से कलमे सादर हो रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबाने अकदस से जब कहा बाप इनको माफ कर, वो बात डाकू पर अप्लाई की गई। उसने अपनी जात के ऊपर उसे अप्लाई किया कि मेरी भी इसमें माफी हो रही है। यार ये कैसा शख्स है जो अपनी फीलिंग के अंदर वो सोचता है कि जो दूसरों को जो सता रहे हैं उनको दुआए खैर दे रहा है, उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बाप से कि इनको माफ कर। और कलाम में लिखा है इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस आदमी के लिए जिसने कहा कि मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि अपने साथ वाले साथी को जिसको हम देखते हैं कि कदीम यूनानी नुस्खा के अंदर कोडेक्स री हैडी ग्राउंड्स ने अपनी किताब में लिखा है कि एक का नाम युआतास है जो दाहिनी तरफ है और दूसरे का नाम मेगात्रास है। और युआतास जब सुनता है खुदा यीशु मसीह की इस हम्बल दुआ को अपने बाप के सामने के बाप इनको माफ कर, इस वजह से उसके दिल के अंदर यह असर हुआ और वो सोचने लगा अपनी जात के अंदर कि यार इसने दूसरों के लिए शफात की है तो लिखा है वो भी अपनी जात के अंदर जो पहले अपने डाकू के साथ मिलकर साथी के साथ मिलकर यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे उसने उसे अपना बादशाह मानकर, क्योंकि उसकी तख्ती पर जब यहूदियों ने लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है तो लिखा है उस वजह से वो भी मसीह पर ईमान लाया और इकरार करने लगा कि ए खुदावन जब तू यीशु अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। तो कलाम में लिखा है खुदा यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, ट्रूली ट्रूली मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मीन्स कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब यीशु को उसने अपना बादशाह मान लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया, क्योंकि वो कहता है ए यीशु, और आपको मालूम है जब्राइल जब मुकद्दस सदी का पाक मरियम और यूसुफ के पास जब उसकी पदाइश पर ये पैगाम लेकर आया तो कहा उसका नाम यीशु रखना कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज वो वक्त है कि डाकू इकरार कर रहा है यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो लिखा है खुदा यीशु ने कहा तू आज रात ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे बहन भाइयों, दोनों डाकुओं की जिंदगी पर गौर करते हुए हम देखते हैं कि एक ने पहले दूसरे के साथ मिलकर तंजो मजाक किया, ताने किए, ठट्ठे उड़ाए, मगर कुछ ही देर के बाद जब सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान ये दूसरा कलमा जुमे की उस औकात के अंदर उस वक्त के अंदर बोला गया तो उसके दिल पर असर हुआ, क्योंकि वो अपनी जात के अंदर फील करने लगा कि खुदावंद ने मुआफी और शफात की, मेरे हम सब सबके लिए दरख्वास्त की है। तो कलामे खुदा में लिखा है कि इस तौर से वो इकरार करते हुए यीशु को अपना बादशाह मानता है। और जब हम फारसी अदवार के अंदर देखते हैं, फारसी दौर में ध्यान देते हैं तो हमें मिलता है कि बादशाह जब अपना महल बनाते थे तो उसके साथ ही एक खूबसूरत बाग लगाते थे जिसमें जानवर परिंदे और उसमें एक खूबसूरत रहने और जगह बैठने की सिटिंग रूम थी। और इस तौर से उस जगह पर वो उस आदमी को बुलाते थे शाम के वक्त में जब वो खुद किसी से खुश होते थे, और खुश होने के बायस वो उसे अपने पास बुलाते, उसके साथ सैर व तफरी करते, फेलोशिप करते और उसे खाने पर मधु करते और फेलोशिप देते और बहुत सी बातें रुफाकत और मोहब्बत के साथ करते। और यही हाल है कि वो फिरदौस
जो यहां बयान किया गया है उस लिहाज से जो इशारे के तौर पर बताया जाता है कि यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू आज रात मेरे साथ फिरदौस में होगा। यकीनन हम जानते हैं कि मसीहा के कहने के मुताबिक ये आदमी जो युवा त्रास था, जिसका नाम हम युवा त्रास सुन चुके हैं कि कोडेक्स के अंदर उसे री हैडी ग्राउंड्स के अंदर यह रकम किया हुआ कि उसका नाम तारीख की किताब में युवा त्रास है, और वो अपील करता है, और कलाम के मुताबिक जब अपील करता है तो उसकी सुनी जाती है। इसलिए मैं आप सबों से इल्तमास करता हूं कि आंद्रा यूनानी की किताब के अंदर इसी बात को देखें, वहां ग्रीक में लिखा हुआ है आयफा आयोटास आमीन, यानी उससे उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। सो एलिगो सेमिनॉन मीठा ईमो ऐसा माए एन पैराडाइसो, यानी खुदामंद यीशु ने यूनानी के मुताबिक भी जो वहां रकम किया हुआ है यही अल्फाज दोहराए थे कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज रात ही, आज इस वक्त में जब तू पुकार कर रहा है कि जब अपनी बादशाही में यीशु तू आए तो मुझे याद करना, मैं जब आऊंगा अपनी आमदेसानी में यो तो बाद की बात है, मगर मैं तुझे कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों बेटे बेटियों, हम देखते हैं कि कलामे खुदा के अंदर हमें मिलता है कि जब हम अपनी जुबान से होशो हवास के साथ अल्फाज निकालते हैं तो गौर तलब हमें करना चाहिए कि क्या ये अल्फाज मेरी जात से किसी दूसरे को ठोकर का बाइस तो नहीं बनेंगे। जब बाएं वाले ने ये लफ्ज बोला कि तू अपने आप को बचा, ये अल्फाजों का मजमुआ कि तू अगर मसीह है तो अपने आप को बचा, हमें भी बचा, तो लोग भी कहने लगे कि तू अपने आप को नीचे उतार, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। लेकिन यीशु मसीह बड़ी आजजी से सारे दुखों को सहते हुए निजात के उस काम को मुकम्मल करने के लिए आखिरी कलमे तक सब्र से, बर्दाश्त से, इस्तकलाल से खड़े रहे, और इस तौर से वहां सलीब पर खड़े लटके हुए दुख उठाते हुए कर्ब की हालत में बड़ी मजबूरी और बेबसी की हालत में अपनी जुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो रहम की अपील करते हुए लोगों को निजात की अपील करते हुए बाप से दुखास करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी पर ध्यान दें कि यीशु मसीह ने जब कलामे मुकद्दस को पेश किया अपनी जुबान से, यानी अपने करदार से, अपने अमल से, अपने करैक्टर से, तो यीशु मसीह को उस वक्त बाप से दुखास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि बाप इनको माफ कर, बल्कि हमेशा यीशु मसीह हर एक को कहते रहे बेटे तेरा गुनाह माफ हुए, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। मगर आज वो सारी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए है, वो शफायती बन गया है, दरमियानी बन गया है, और इस तरह से वो डाकू भी अपील करके खुदावंद यीशु मसीह के आगे दुखास करता है कि जब इसने पहले कलमा में हमारी शफायत की है तो यकीनन ये बादशाह है, इसके आगे अपील की जाए कि जब तू अपनी रियाया को कायम करे तो मिन्नू गरीब नु भी याद रखना। ये उसकी असल में बात थी, क्योंकि वो गुनहगार भी था और फिर मुजरम भी था। जब वो अपने साथी को सलीब पर झिड़कता है, साथ वाले डाकू को, तो वो ये बात कहता है तुझे खुदा से डर नहीं आता, तुझे खुदा से डर नहीं लगता, तू समझता नहीं कि हम तो वाजबी सजा पा रहे हैं। मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस तरह से इसको सलीब पर लटकाया गया है। मेरी बहन मेरे भाई, हम देखते हैं कि कलामे खुदा की हकीकत के मुताबिक जब हमें मिलता है कि जो आदमी खुदावंद के सामने या किसी इंसान के सामने कोई सख्त अल्फाज बोले, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता और ना अपनी जिंदगी में कोई मिशन लेकर आगे बढ़ सकता है, ना किसी से काम ले सकता है, क्योंकि हमारी जुबान एक ऐसी है जो सख्त करदार बोलने और रवैये के बायस किसी को गर्विदा भी कर सकती है और किसी को ठोकर देकर दुश्मन भी बना सकती है।
इसलिए अब खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ये फजल बख्शा कि वो एक ऐसा बादशाह है जो रहम करने वाला है, जो माफ करने वाला है, जो तरस खाने वाला है, जो बहाल करके अपनी रियाया की जिंदगी की आसाइश का के लिए सोचता है। जिस तरह खुदा बाप ने पहले आदम और हवा को जमीन पर फिरदौस बख्शा हुआ था, जिसमें वो खुद ठंडे वक्त में आता, उनके साथ फेलोशिप रखता और उनकी जिंदगी के बारे अच्छे मंसूबे रखता और वो उनसे मुलाकात रखता था। इसी तरह यहां हम देखते हैं कि कलामे खुदा के मुताबिक वो अदन जो छीन लिया गया था, वो जो फिरदौस छीन लिया गया था, आज खुदावंद यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर उस आदमी को यानी उस बशर को जो खुदा से दूर जा रहा था, अपनी कुर्बानी के सदके उसे कहा, जब उसने उससे कहा, उससे अपील की, तो ये डाकू कहने लगा, ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। मेरी बहन, मेरे भाई, उसका जवाब आने वाली आमदेसानी के लिए नहीं था, बल्कि करंट उसी वक्त के लिए उसे ये आंसर मिला कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे बहन भाइयों, अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाज पर गौर किया करें। कुछ हमारे काम अपनी जुबान से सख्त लफ्ज निकलने के बायस नहीं हो पाते, जिस तरह बाएं तरफ वाले डाकू ने, मेगात्रास ने यीशु मसीह को सख्त बोला और वो मसीह की बादशाही से महरूम हो गया। और डाकू जो बाएं तरफ युवा त्रास था, उसने अपील की है, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो लिखा है उसका आंसर उसी तरह हुआ जिस तरह यसाया नबी ने कहा था कि अभी तू आमीन कहना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। जो दिल से रिक्वेस्ट हो, हम्बल रिक्वेस्ट, याद रखें इंसान भी उससे खुश होता है और खुदा भी। और हमें हुक्म मिला है कि यीशु मसीह इंसान और खुदा दोनों की नजर में मकबूलियत पाता गया। इसी तरह हमको ये सबक सीखना है, ये हमारे लिए हासिल कलाम है कि हमने अपने रवैये का और अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करके कामयाबी की राह पर गामजन होना है ताकि अपने मकसद में कामरान हो। खुदा अपने कलाम के मुताबिक हमें जिस तरह युवा त्रास ने इकरार करके अपने गुनाह का, अपनी गलती का, अपनी खता का खुदावंद से हमेशा की फिरदौस को हासिल कर लिया, हम भी उस बात पर ईमान रखते हुए जाने समझे कि रसूल जब तालीम देने लगे तो इस बात के लिए कहा गया कि जब तुम ईमान लाओ, इकरार करो कि यीशु ही खुदावंद है, तो लिखा है तू बपतिस्मा ले, ईमान ला, तो तू निजात पाएगा। उस आदमी ने जब जान लिया कि ईमान ले आने से, खुदावंद यीशु पर तकिया रखने से मेरी निजात का सबब है, तो उसी वक्त उसने इकरार किया। आए हम भी अपनी गलतियों का, खताओं का उस डाकू की तरह इकरार करके आगे बढ़े ताकि हमारे लिए जितने रास्ते में बैरियर खड़े किए गए हैं वो हटाए जाएं और हम भी कामयाब हों, कामरान हों और यूं इंसान और खुदा दोनों की नजर में इकबाल मंदी हासिल कर सकें। खुदावंद तमाम नाज़रीन को इस कलाम के जरिया से और हम सबको रूहानी और जिस्मानी बरकत से मुस्तफीद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।